मोहम्मद शकील मियां ने एक हिंदू महिला को सरेआम काट डाला, इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। पीरपैंती बिहार से अमन कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर पीरपैंती थाना क्षेत्र के सिंघिया पुल के पास देर शाम नीलम देवी को शकील मियां नाम के अपराधी द्वारा धारदार हथियार से वार कर विभत्स तरीके से घायल कर दिया गया, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ महिला की हालत नाजुक देखते हुए महिला को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भागलपुर लाने के दौरान ही महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। महिला के पीठ दोनों हाथ काट दिए, महिला के स्तन को भी काट दिया गया, वहीं सर पर भी चाकू से कई वार किए गए। महिला के पति का कहना है कि शकील मियां पहले घर आता था, जिस पर उनके द्वारा उसे घर आने से मना किया गया था, जिसको लेकर उसने घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना के बाद महिला ने भी हमलावर का नाम बताया है, जिसकी रिकॉर्डिंग आसपास के लोगों ने की थी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं मुख्य अपराधी शकील मियां अभी भी फरार है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।